नमस्कार दोस्तों, मैं सरवीन जांगिड़। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से अपन संख्याओं का स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, वो आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से अपन दशमलव संख्याओं का वर्गमूल डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। इसमें कैसे अपन पेयर बनाएंगे या फिर ऐसी संख्याएं कि जिनका वर्गमूल दशमलव में आता है, जैसे 2 है तो 2 का वर्गमूल होता है 1.414। तो ऐसी संख्याओं का अपन भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे वो आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, वर्गमूल निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक होता है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि अपन कैसे इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। भाग विधि से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है कि जिस भी संख्या का आपसे स्क्वायर रूट पूछता है उसमें दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे। सबसे पहले इसमें इकाई के अंक से यहां से दो अंकों का पेयर बनाएंगे, तो इन दो अंकों का पेयर बन गया। यहां पर एक ही अंक है तो इसको अपन ऐसे का ऐसा इसमें रख देंगे। अगर अपन इसमें पेयर बनाना भी चाहें तो इसमें यहां पर 0 लगाएंगे तो 0 7 और 7 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला हमारा स्टेप है इसमें दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे और इधर से स्टार्ट करना है। इकाई दाई सैकड़ा जो अंक होता है जिससे अपन संख्या को पढ़ते हैं उधर से हमें स्टार्ट करना है। तो अब यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको स्वयं से गुणा करने पर या तो 7 आए या 7 से कोई छोटी संख्या, तो अपन यहां पर रखेंगे इसमें 2। तो जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 4। और यहां पर जो संख्या लिखते हैं इसको साथ साथ हमें ऊपर भी लिखना है, तो जब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 3। अब अपने को जो भी संख्या लेनी है वो जोड़े में लेनी है, तो अपन यहां पर 8 नहीं उतारेंगे, पूरा 84 उतारेंगे। यहां पर पेर में जोड़े में संख्या उतारेंगे, इधर से 2 + 2 हमारा हो जाएगा 4। अब यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 384 आए या फिर इससे कोई छोटी संख्या, तो अपन यहां पर रखेंगे इसमें 8। तो जब 48 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 8 होता है 64, बचेगा कितना, 6। और 8 × 4 होता है 32, 32 और 6 38, तो यहां पर बचेगा कितना, 0। यह वाला 8 हमें ऊपर भी लिखना है। अगला देखते हैं इसमें, पहली स्टेप दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनाए इसमें। अब यहां पर कितना है, 10। तो यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे जिसको स्वयं से गुणा करने पर या तो 10 आए या 10 से कोई छोटी संख्या, तो 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1। अब आगे यहां पर पेयर उतारेंगे, जोड़ा उतारेंगे 24, इधर 3 + 3 हमारा हो जाएगा 6। अब यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 124 आए या 124 से कोई छोटी संख्या, तो अपन यहां पर रखेंगे 2, तो कितना बन गया, 62। और 62 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा इसमें 124, यहां पर बचेगा 0, यानी यहां पर हमारा इसका आंसर आ गया 32। अगला है हमारा, इसमें दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे इधर से, इधर से और इधर, तो कितना बचा हमारा, 5। तो यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको स्वयं से गुणा करने पर या तो 5 आए या 5 से कोई छोटी संख्या, तो हमने रखा 2, और जो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, और ये वाला 2 हमें ऊपर भी लिखना है। तो 5 में से 4 गया, बचा कितना, 1। अब अगला पेयर उतारेंगे, अगला पेयर क्या है, 61। तो यहां पर उतारा 61, इधर 2 + 2 हमारा हो जाएगा 4। अब यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 161 आए या फिर इससे कोई छोटी संख्या, तो अपन यहां पर इसमें रखेंगे 3। तो जब ये बन गया 43, 43 को 3 से गुणा करें, 3 × 3 होता है 9 और 3 × 4 होता है 12। अगर अपन 4 रखते हैं तो फिर हो जाएगा ये ज्यादा हो जाएगा, 161 से ज्यादा हो जाएगा ये, तो ये वाला 2, ये वाला 3 अपन ऊपर भी इसमें रखेंगे। तो जब 161 में से माइनस करेंगे 129, तो बचेगा कितना हमारा, 32 बचेगा इधर, तो इधर हमारा हो जाएगा 43 + 3 हो जाएगा 46। अब अगला पेयर उसमें उतार लेंगे 69। अब फिर से यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 3259 आए या फिर इससे कोई 3269 आए या फिर इससे कोई छोटी संख्या, तो हमने रखा यहां पर 7। तो 467 को जब गुणा करेंगे 7 से, तो 7 × 7 होता है 49, बचेगा 4। 7 × 6 होता है 42, 42 से 4 46,
और 7 × 4 = 28, 28 × 4 = 32, फिर से यहां पर 0 बचेगा, तो ये वाला 7 अपन ऊपर भी इसमें लिख लेंगे, तो इसका आंसर आ गया 237। ये तो थे परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल कोई इंटीजर, कोई पूर्णांक होता है, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। दोस्तों ये बेसिक तरीका था इनका निकालने का, और इनका जो शॉर्टकट तरीका विद इन 2 सेकंड में अपन कैसे इनको निकाल सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, और आई बटन में उसका लिंक नजर भी आ रहा है, तो आपने नहीं देखा तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब हमारा नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट, यानी ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल कोई दशमलव में आता है, तो सबसे पहले इसमें पेड़ बनाएंगे, तो इसमें एक ही अंक है, यहां पर 0 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0, 2, 2 एक ही बात होता है। तो सबसे पहले यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको स्वयं से गुणा करने पर या तो 2 आए या 2 से कोई छोटी संख्या, तो यहां पर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। अब इधर 1 + 1 हो जाएगा 2। अब आगे कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे इसमें दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाते ही अपन इसमें 0 उतारेंगे, 2 0 उतारेंगे, जो भी अंक इसमें लेंगे वो हमेशा पेर में लेंगे, जोड़े में लेंगे। अब यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे इस पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 100 आए या 100 से कोई छोटी संख्या, तो हमने रखा इसमें 4, तो बन गया 24, 24 को 4 से गुणा करेगा तो आएगा 96, फिर से माइनस करेंगे बचेगा कितना 4, फिर में इसमें 2 0 उतार लेंगे, इधर 24 + 4 हो जाएगा हमारा 28। अब ऐसी संख्या रखेंगे जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 400 आए या 400 से कोई छोटी संख्या, तो हमने यहां पर रखा 1, तो बन गया कितना 28, तो ऊपर से आया था 24 + 4 = 28, 1 हमने रखा तो बन गया 281, और जो संख्या लिखते हैं उसी से गुणा करना है, तो 281 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 281, और ये वाला 1 हमें ऊपर भी लिखना है, तो 400 में से माइनस करेंगे 281 तो बचेगा कितना 119, फिर से 2 0 उतार लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 281 + 1 हो जाएगा हमारा 282। फिर से यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 11,900 आई या फिर इससे कोई छोटी संख्या, तो हमने यहां पर रखा इसमें 4, तो 2,824 को गुणा करेंगे 4 से तो हो जाएगा ये 96, तो इधर से हो जाएगा, और ये हो जाएगा 832, 3 और ये 11, यानी 11,296, तो ये वाला 4 हमें ऊपर भी लिखना है। तो 2 का जो रूट होता है 1.414, 1.414। अगला है दशमलव संख्याओं का, तो सबसे पहले है 0.3 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे, तो इसमें क्या है कि इधर तो कोई संख्या है नहीं, तो इसमें दशमलव के बाद में इधर संख्या है, तो दशमलव के बाद में जो संख्या होती है उसमें जो जोड़े बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। दोस्तों एक बार देखना कि अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है, जैसे मान लीजिए 441 है, इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो इसमें जो पेर बनता है वो बनता है इकाई के अंक से, इधर से इकाई दाई ऐसे चलता है, इस एरो के हिसाब से चलेगा, इधर से चलेगा पेर बना, इधर से पेर बनाएंगे इसका पेर बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, अगर आगे कोई है तो ऐसे पेर बनेगा, लेकिन जिसमें दशमलव होता है उसमें पेड़ इस साइड में बनते हैं, ऐसे इस साइड में इसमें पेड़ बनते हैं, दशमलव के बाद में इधर पेड़ बनते हैं, और जिसमें दशमलव नहीं होता उसमें इस साइड में पेड़ बनते हैं, इसमें दशमलव है तो पेड़ बनेंगे ऐसे, तो इधर एक 0 लगा देंगे इसमें, तो बन गया 0.30, तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगाएंगे पॉइंट, अब पॉइंट हटा दिया, अब बचा कितना 30, तो यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे जिसको गुणा करने पर या तो 30 आई या 30 से कोई छोटी संख्या, तो अपर हमने यहां पर रखा 5, तो 5 × 5 होता 25, और 30 में से 5 गया बचा कितना 5, इधर हमारा 5 + 5 हो जाएगा 10। अब यहां पर 2 0 उतार लेंगे अपन, ऐसी संख्या रखेंगे जिसको गुणा करने पर या तो 500 आए या 500 से कोई छोटी संख्या, तो हमने यहां पर रखा 4, तो बन गया 104, और 104 को जब 4 से गुणा करेंगे आएगा 416, अगर यहां पर 5 रखते हैं तो बनेगा 105, 105 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 525, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर बचेगा कितना 84, फिर से अपन 2 0 उतार लेंगे, इधर हो जाएगा 104 + 4 हो जाएगा 108। अब यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे जिसको गुणा करने पर या तो 84 आए या ऐसे कोई छोटी संख्या, तो यहां पर रखेंगे इसमें 7, तो 7 से रखकर देखते हैं इसको, 7 × 7 होता है 49, बचेगा कितना 4 × 56 = 60, और ये हो जाएगा 7। जब 8 रखेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये
इससे नहीं हो पाएगा, तो यहां पर रखेंगे इसमें 7। तो इसका दशमलव के 3 अंकों तक इसका मान आ गया 0.547। तो रूट इसका मान आ गया हमारा 0.547। तो इस प्रकार से अपन दशमलव संख्याओं का भी भाग विधि से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगला है हमारा 561.69। तो दोस्तों इसमें दोनों संख्याएं हैं, दशमलव के बाद वाली भी है और दशमलव से पहले वाली भी है। तो मैंने बताया था कि जिसमें दशमलव होता है उसमें तो चलता है इस साइड में, और जिसमें दशमलव नहीं होता उसमें चलता है इस साइड में। तो ये इसका एक पेयर बन गया और इधर ये बच गया। यहां पर कितना है 5, तो यहां पर 2 रखेंगे क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। तो ये वाला 2 हमें ऊपर भी रखना है इसमें। तो 5 में से 4 गया, बचा कितना 1। इधर 2 + 2 हो जाएगा हमारा 4। अब अगला पेयर क्या है 61 का, तो यहां पर उतारेंगे 61। अब यहां पर रखेंगे इसमें हम 3, तो यहां पर रखा 3, और जब 43 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 129। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, इधर से 2 और इधर से 3, 32। अब आगे क्या है दशमलव, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, दशमलव लगाएंगे और उतार लेंगे इसमें 69। इधर 43 + 3 हो जाएगा 46। अब यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे जिसको इससे गुणा करने पर या तो 3269 आए या फिर इसे कोई छोटी संख्या, तो हम रखेंगे 7। तो इसको गुणा करेंगे, 7 × 7 होता है 49, बचेगा कितना 4, 7 × 6 = 42, 42 × 4 = 46, और 7 × 4 = 28, 28 × 4 = 32। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 0, यहां पर कितना रखा था 7। तो यहां पर जो संख्या लिखते हैं उसको साथ साथ में ऊपर भी लिखना है। तो इसका मान आएगा 23.7, इसका मान होगा 23.7। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।